गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अपने फेवरेट कॉइन के बारे में आज एनालिसिस करूँगा, आपको बताऊँगा, जो कि मेरा 2018 का सबसे फेवरेट कॉइन है और मुझे लग रहा है ये 2018 का सबसे बड़ा प्लेयर होगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। सो गाइज, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मेरा ये डिस्क्लेमर है कि आप अपना खुद रिसर्च करें, डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू पुट योर मनी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं, जैसा कि मैंने बताया, वॉन्चेन के बारे में आपको बताऊंगा। वॉन्चेन का ICO ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, जो कि अक्टूबर 2017 लास्ट ईयर आया था, आई थिंक 4 मंथ्स पहले। और मैंने इस ICO में पार्टिसिपेट किया है और मैं आई एम जस्ट वेटिंग कि वॉन्चेन कब एक्सचेंज पे आएगा। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं वॉन्चेन क्या है, वॉन्चेन जो है वो फाइनेंशियल जो मार्केट है उसको बदलने वाला है। जो भी बैंक्स हैं, जो भी फाइनेंशियल कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको वो एक ब्लॉकचेन से कनेक्ट करेगा और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। सो वॉन्चेन जो है वो फाइनेंशियल सुपर इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, जो कि जितने भी फाइनेंशियल ब्लॉकचेन्स हैं उनको एक जगह कनेक्ट करेगा। अगर मैं इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं वॉन्चेन को, तो रिपल, इथेरियम और मोनेरो, इन तीनों कॉइन का मिक्सचर है वॉन्चेन। इन तीनों के फीचर्स इस एक वॉन्चेन कॉइन में है। रिपल जो बैंक्स ट्रांजेक्शन्स में हेल्प करता है, ट्रांजेक्शन्स इजी एंड फास्ट होता है विद रिपल, ये फीचर है वॉन्चेन में। प्लस इथेरियम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसपे डी एप्स, डिसेंट्रलाइज एप्स उसके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, बिजनेसेस नए आ रहे हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड है इन वॉन्चेन। मोनेरो जो जाना जाता है अपने प्राइवेसी के लिए, तो वॉन्चेन के अंदर प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी है। पब्लिक प्राइवेट दोनों तरह के आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। तो अभी जो इसको मैं अगर डिस्क्राइब करूँ, तो मैं इसको बोलूँगा इथेरियम फॉर फाइनेंशियल मार्केट। ये वही काम करेगा जो इथेरियम नॉर्मल बिजनेसेस के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ही वॉन्चेन जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल मार्केट है, वो वर्टिकल है, उसके लिए उस तरह की सर्विस प्रोवाइड करेगा इन सिंपल लैंग्वेज। इसके अंदर जो इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है इसका क्रॉस चेन प्रोटोकॉल, इंटर एप्रोबिलिटी एक नया टर्म है। और इसका जो, इसकी जो टीम है, जो प्रोडक्ट अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो ट्रांसफर योर एसेट्स विद प्राइवेसी प्रोटेक्शन, जैसा कि मैंने मेंशन किया, आप अपने वॉलेट से वॉन वॉलेट हेल्प यू टू मैनेज डिफरेंस एसेट्स इंक्लूडिंग वॉन एंड अदर टोकन्स ऑन वॉन चेन। यू कैन ट्रांसफर योर एसेट्स इधर इन ऑर्डिनरी पब्लिक ट्रांजेक्शन और इन प्राइवेट स्टेल्थ ट्रांजेक्शंस। वी विल सपोर्ट मल्टी क्रिप्टो इन लेटर वर्जन। मीनिंग आप क्रॉस चेन जो इसका है, आप किसी भी ब्लॉक चेन्स, कोई भी कॉइन्स वॉन चेन पे आप अटोमिक स्वैप का फीचर होगा, यानी कि आप रिपल हो, इथेरियम हो, आप वॉन चेन पे डायरेक्ट आप ट्रांसफर करते हो, तो आपको अलग अलग वॉलेट यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और इसके, इसका जो प्रोसेसिंग फीस होगा फॉर क्रॉस चेन, फॉर एटॉमिक स्वैप, वो आपको वॉन चेन कॉइन में देना होगा। तो इस तरह से वॉन चेन कॉइन की यूटिलिटी भी बढ़ेगी। और इसके अंदर आने वाले टाइम में, जब वॉन चेन का पूरा फंक आ जाएगा, मेन नेट तो आ ही गया है, तो इसके ऊपर ICOs भी आएंगे। मतलब जो भी बिजनेसेस हैं इसके प्लेटफॉर्म पे अपना वो सेटअप कर सकते हैं। और दिस इज फॉर फाइनेंशियल मार्केट। तो बेसिकली ये जितने भी वॉन चेन का जो इकोसिस्टम है उस पर फाइनेंशियल वर्टिकल्स के बैंक्स, फाइनेंस की कंपनीज जो होंगी वो अपना बिजनेस रन कर सकती हैं। तो उस तरह की कंपनीज का ICO इसके प्लेटफॉर्म पे आएगा। ये भी एक USP है वॉन्चेन का। अगर मैं और देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो मैंने आपको बताया वॉन्चेन में विद प्राइवेसी प्रोटेक्शन, तो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है जहाँ पे आप डी एप्स इसके ऊपर रन कर सकते हो। यू कैन डिप्लॉय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक इथेरियम। वॉन्चेन सप्लाई स्पेशल कैरेक्टर विच यू कैन इशू अ टोकन विथ प्राइवेसी प्रोटेक्शन। प्लीज़, ये आप देखो, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और देखो, आप जैसे ईथर स्कैन है वैसे इनका ब्लॉक्स एक्सप्लोरर है। तो इथेरियम का फोर्क भी इसको बोला जा रहा है। इसका UI काफ़ी इथेरियम जैसा है।
इस इनका वाइट पेपर आप डिटेल में पढ़ोगे, बहुत ही डिटेल्ड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। क्रॉस चेन क्या करता है, क्रॉस चेन प्रोटोकॉल एंड डिस्ट्रीब्यूटर लेजर दैट रिकॉर्ड्स बोथ क्रॉस चेन एंड इंट्रा चेन ट्रांजेक्शंस एनी ब्लॉक चेन नेटवर्क वेदर अ पब्लिक और प्राइवेट और कॉन्स्टोरियम चेन कैन इंटीग्रेट विद वॉन चेन टू एस्टैब्लिश कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट लेजर्स एंड एंड परफॉर्म लो कॉस्ट इंटर लेजर एसेट ट्रांसफर्स। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी ब्लॉक चेन का आप यहाँ पे इंटरकनेक्ट एक दूसरे के साथ कर सकते हो यूजिंग वॉन्चेन इकोसिस्टम। अगर मैं इसके मार्केट कैप के बारे में बताऊं, तो इसका जो आईसीओ आया था उस टाइम वॉन्चेन ने 36 मिलियन रेज किया था, जो कि बहुत कम है लुकिंग एट द करेंट मार्केट कैप। और अगर मैं इसका हाइप देखूं सोशल मीडिया पे, तो बहुत ज़्यादा है। अभी तक मैंने इतना ज़्यादा हाइप किसी कॉइन का नहीं देखा है। आप इनके टेलीग्राम पे अगर जाओगे तो ऑलमोस्ट 50,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, प्लस रेडिट पे भी बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ट्विटर भी सुपर एक्टिव है इनका। अभी थोड़ा नेट स्लो है आई थिंक, ये आप देखो 48,000 लोग हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूँ, ये 37 सेंट्स का आईसीओ प्राइस था, लेकिन उस टाइम इथेरियम 300 के आसपास था, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 3 times इथेरियम बढ़ा है। तो आई वुड से $1 जो है वो कॉस्ट है, क्योंकि मैंने जब लिया था तो इथेरियम 300 का था। तो अगर मैं $1 इसका प्राइस मान के चलूँ फॉर द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन आईसीओ, तो मैं वहाँ से भी मान के चलता हूँ ये कम से कम $8 to $10 पे इसकी इसको आना चाहिए। अभी थोड़ा मार्केट कंडीशन सही नहीं, अगर नीचे आता है तो नए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इस कॉइन को आप $3 to $5 के रेंज में, मतलब $5 के नीचे अगर कोई भी प्राइस मिलता है तो मैं तो बोलूँगा कि इसको आप बाई कर लो। लेकिन अगेन, आप अपना रिसर्च करके ही आप इन्वेस्ट करो। अभी मैं अगर देखूँ XRP रिपल, आपका जो रिपल है दैट इज़ $31 billion का मार्केट कैप है, और मैं इतना मानता हूँ कि रिपल का 10% एटलीस्ट मार्केट कैप वॉन्चेन कमांड करेगा। तो मैं मिनिमम 3 billion का इसको मान के चलता हूँ। तो द प्राइस होगा वो $30 to $35 बहुत आराम से जा सकता है इन 3 to 6 months, जो मेरा प्रेडिक्शन है। यानी कि आईसीओ में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके लिए 100x है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वॉन्चेन और भी आगे ग्रोथ कर सकता है, जो इसका इसकी टेक्नोलॉजी है, नए बिजनेसेस आएंगे वॉन्चेन इकोसिस्टम पे, डेवलपमेंट होगी, और टीम तो इनका सुपरस्टार है। जो इनके टीम मेंबर हैं, अगर मैं आपको इनके टीम के बारे में दिखाऊं, तो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। इनके जो फाउंडर हैं उन्होंने ऑलरेडी एक फैक्टम करके कॉइन है जिसके ये जिन्होंने ये इन्वेंट किया था, जिन्होंने जो कोर फाउंडर थे फैक्टम के, तो वहाँ भी उन्होंने फैक्टम को सक्सेसफुली चलाया और फैक्टम ने भी 200x का रिटर्न दिया टू द आईसीओ होल्डर्स। और ये सारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ये इन्होंने गोल्डमैन सैक्स से आए बंदे हैं, डेल में, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, और भी सीनियर पोस्ट पे। तो काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी सॉलिड टीम है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वॉन्चेन के लिए। अगर मैं जैसे मैं रिपल है, रिपल का 10%, तो रिपल मैं मान के चलता हूँ, अभी तो मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे है, रिपल 100 billion का मार्केट कैप के आसपास चला गया था हाई पे, 100 billion पे गया था, तो मैं वॉन्चेन को 10 billion मानूंगा। कभी भी रिपल के 10% पे ये रहेगा या उससे ज़्यादा। तो लॉन्ग टर्म में अगर 2 साल का व्यू है तो ये $100 का भी कॉइन है। सो गाइज, वॉन्चेन जो है वो मेरा फेवरेट है 2018 का, आप इसको अपने रेडार में ज़रूर रखो। प्लस देखो, अभी तक जो मेरा सबसे बड़ा हिट रहा है क्रिप्टो मार्केट में, इथेरियम, जो कि मैंने $10 के नीचे बाई किया था। उसके बाद मेरा नियो था अराउंड $5। ये सारे जो हैं इनकी यूटिलिटी है, ये कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो है उसको मेन स्ट्रीम ले जाने में बहुत मदद कर रहे हैं। इथेरियम हो गया, नियो हो गया, तो इथेरियम और नियो के बाद जो मेरा सबसे बड़ा प्ले है वो वॉन्चेन में है, और मैं वॉन्चेन को होल्ड करूंगा। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने वॉन्चेन आईसीओ में लिया और अच्छा अमाउंट लिया है। मैंने 8.5 इथेरियम का वॉन्चेन लिया है, मेरे पास ऑलमोस्ट 7500 टोकन्स हैं। तो अगर मैं इसको मान के चलता हूँ, अगर $30 अगर ये जाता है तो ऑलमोस्ट मेरे लिए बहुत अच्छा रिटर्न होगा। यहाँ पे अगर मैं 7500 लेके चलूँ तो $2,25,000
ये ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ होगा मेरे लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वॉन्चेन के लिए गाइज। प्लीज़ अपना आप रिसर्च करो, वाइट पेपर पढ़ो, और अगर $5, $6, $10, लुक लुक डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो फॉर द नोटिफिकेशंस। मैं और वीडियोस बनाऊंगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।